अगर आप नेटफ्लिक्स चलाते हैं तो शायद आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरफ से पासवर्ड शेयरिंग फीचर बंद किया जा सकता है। दरअसल नेटफ्लिक्स नए साल यानी 2023 से पासवर्ड शेयरिंग के फीचर को बंद कर सकती है या फिर उसमें बदलाव कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेटफ्लिक्स अकाउंट से केवल एक डिवाइस पर ही नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। नेटफ्लिक्स का कहना है कि पासवर्ड शेयरिंग ऑप्शन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है। कंपनी का कहना है कि एक अकाउंट पर कई यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयरिंग फीचर को बदलने का काम किया जा रहा है। ऐसे में नेटफ्लिक्स पासवर्ड का इस्तेमाल परिवार वालों और दोस्तों के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। कंपनी का मानना है कि इस तरह के बदलाव से कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही नेटफ्लिक्स के साथ नए यूजर्स जुड़ेंगे। इसी मकसद से नेटफ्लिक्स की तरफ से ऐड प्लान पेश किया गया है, जिसमें एक सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया गया था, जिसमें विज्ञापन डिस्प्ले के साथ कंटेंट दिखाया जा रहा था। अगर भारत की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में चार प्लान आते हैं। नेटफ्लिक्स का सस्ता प्लान 149 रुपये में आता है, जबकि बेसिक प्लान की कीमत 199 रुपये है। वही स्टैंडर्ड प्लान 499 रुपये में आता है, जबकि प्रीमियम प्लान 649 रुपये में आता है। हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पासवर्ड शेयरिंग प्लान बंद करने के बाद कंपनी की तरफ से नए नेटफ्लिक्स प्लान को पेश किया जा सकता है। आपका क्या कुछ कहना है नेटफ्लिक्स के इस नए फैसले को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। Thank you.